क्लास टेंथ के सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें मेरे चैनल की लिंक, जिससे कि आपके दोस्त भी घर बैठ करके अपनी इंग्लिश की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। पिछले वीडियो में हमने एक पोएम माय गुड राइट हैंड के बारे में पढ़ा था। आज उसकी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में आती है 4 नंबर की, पिछली बार की जो परीक्षा हुई है उसमें रिस्क कविता में से एक एक्सप्लेनेशन आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर से इस बार एक्सप्लेनेशन माय गुड राइट हैंड में से ज़रूर होगी। 4 नंबर का एक प्रश्न आता है व्याख्या का, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए देखिए मेरे साथ एक बार। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस कविता को, जिसकी पंक्तियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसे आप मेरे वीडियो पर एक बार स्टडी कर लें, क्योंकि कविता की नाम और कविता के कवि का नाम आपको पहचानना होगा, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। कवि का नाम और कविता का नाम, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा, नीचे दिए हुए पद को व्याख्या कीजिए विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लिखते हैं। और रेफरेंस में क्या लिखेंगे, सभी में एक ही कॉमन रहेगा, ये दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय गुड राइट हैंड। आपको पता होना चाहिए कि ये लाइनें माय गुड राइट हैंड में से आई हुई हैं। किसी भी कविता की लाइनें आ सकती हैं, आपको उस कविता का नाम याद होना चाहिए, कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके। तो ये कवि का नाम और कविता का नाम आपको पता होना चाहिए, ये दो चीज़ें आती हैं किसमें, रेफरेंस वाले पोर्शन में। रेफरेंस वाले पोर्शन में ये दो चीज़ें आएंगी। रेफरेंस के बाद आता है कॉन्टेक्स्ट का नंबर। कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा सा कविता के बारे में लिख देते हैं, कविता की थीम के बारे में लिख देते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं अ बिटर ट्रूथ एक कड़वी सच्चाई ऑफ मैंस लाइफ हैज बीन डिस्क्लोज्ड हेयर। अ बिटर ट्रूथ ऑफ मैंस लाइफ हैज बीन डिस्क्लोज्ड हेयर, नो वन कम्स टू हेल्प ए मैन If he faces adversity, according to poet trusting
द पीपल इन द वर्ल्ड इज लाइक बिल्डिंग ए कासल ऑन सैंड। तो यहां तक कॉन्टेक्स्ट हो गया। कॉन्टेक्स्ट देखिए क्या लिखा है हमने, अ बिटर ट्रुथ ऑफ मैन्स लाइफ, मनुष्य के जीवन की एक कड़वी सच्चाई हैज बीन डिस्क्लोज्ड हेयर, यहां पे उजागर की गई है मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई यहां पर उजागर की गई है। नो वन कम्स टू हेल्प अ मैन, कोई भी एक व्यक्ति की सहायता के लिए नहीं आता है। इफ ही फेसेस एडवर्सिटी, यदि एक व्यक्ति समस्याओं का सामना करता है, यदि एक व्यक्ति समस्याओं से जूझता है तो कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आता। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार, ट्रस्टिंग द पीपल इन द वर्ल्ड, इस संसार के लोगों में विश्वास करना, इज लाइक बिल्डिंग अ कासल ऑन सैंड, रेत पर महल बनाने के जैसा है। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। आप देखिए एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करते हैं दी हुई कवि दी हुई पंक्तियों की तीन से चार लाइनों में। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन वंस, एक बार, दीज आर द ओपनिंग लाइन, दीज आर द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस पोएम, ये इस कविता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। वंस द पोएट फेस्ड, वंस द पोएट फेस्ड डिफिकल्ट difficult time in his life. So full stop, he started to make complaint about it. He searched for friends who can help him. His acquaintances, his relatives also became indifferent in this situation. In this situation, although they gave good advice, but they did not give money, which was needed to point. तो ये यहां पे हमने इसकी व्याख्या कर दी है, वो क्या कि these are the opening lines
ऑफ दिस पोएम, ये प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं इस कविता की। वंस द पोएट फेस्ड अ डिफिकल्ट टाइम इन हिज लाइफ, एक बार कवि ने अपने जीवन में कठिन समय का सामना किया। ही स्टार्टेड टू मेक कंप्लेन अबाउट इट, उसने इस कठिन समय के बारे में शिकायतें करना प्रारंभ किया। ही सर्च्ड फॉर फ्रेंड्स, उसने दोस्तों की सलाह तलाश की। हु कुड हेल्प हिम, कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सकें। हिज रिलेटिव्स ऑल्सो बिकेम इंडिफरेंट इन दिस सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में उसके जो रिश्तेदार थे वो भी उदासीन हो गए, वो भी पीछे हट गए। दे गे ऑल दो, यद्यपि दे गेव गुड एडवाइस, यद्यपि उन्होंने अच्छी सलाह दी। बट दे डिड नॉट गिव मनी, लेकिन उन्होंने धन नहीं दिया। विच वॉज नीडेड टू द पॉइंट, जिस चीज़ की कवि को आवश्यकता थी। तो रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी एक चौथा पॉइंट और लिख लें आप, जो कि अक्सर आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। हम लोगों ने जब अंग्रेजी साहित्य के साथ बीए किया, एमए किया, तब हम उस पॉइंट को लिखते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्रिटिकल नोट। इस पॉइंट को हमारे द्वारा लिखा जाता था व्याख्या करते हुए। इसमें हम लिख सकते हैं क्रिटिकल नोट में, नंबर वन डालकर, दिस इज ए मीनिंगफुल पोएम विद इजी लैंग्वेज, विद इजी लैंग्वेज इट टीचेस ए मैन टू बिलीव इन गॉड एंड हार्डवर्क। तो ये दो पॉइंट्स आप अपने क्रिटिकल नोट में डाल सकते हैं कि दिस इज अ मीनिंगफुल पोएम, बहुत ही शाब्दिक कविता है ये, विद इजी लैंग्वेज, आसान भाषा के साथ। इट टीचेस अ मैन, ये एक मनुष्य को सिखाती है, टू बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास करना, एंड हार्डवर्क, और कठिन परिश्रम में विश्वास करना एक मनुष्य को सिखाती है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये चार नंबर की पूछी जाती है, दो आएंगी आपके बोर्ड के एग्जाम में, दो में से आपको एक करनी होगी। और ऐसा मेरा मानना है कि एक जो एक्सप्लेनेशन है वो माई गुड राइट हैंड में से जरूर आएगी, इसलिए चार नंबर के लिए आप इसको स्टडी कर लें। बार बार से स्टडी करेंगे तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मिलेंगे अगली एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके बाद फिर से एक ग्रामर की क्लास होगी। लेकिन आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों को सलाह दीजिए मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।